अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फिर डिबेट वीडियो लेकर आए हैं। ये किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट और एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है। पिक्चर चालू करो बे। मैं ये कह रही हूँ कि न राष्ट्रवाद के नाम अगर आज यही तीनों शहीदों के नाम पर वोट मांगा जा सकता है, न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। पूरा देश जानता है। नहीं, न शहीदों के नाम पर वोट मांगना चाहिए और न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए। नहीं। हाँ अच्छा, नाम उत्तर दे दीजिए आप। बिल्कुल नहीं, शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, पर आप अपनी नीतियों के नाम पर मांग सकते। बिल्कुल नहीं मांग सकते। वोट मांग कर आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। क्या डिबेट करने आए थे? डिबेट की बात। श्वेता जी, जी नहीं श्वेता जी, आपके सामने जो कैमरा पर्सन है उनको उनको कहे वो थोड़ा क्लोजअप ले उसका। जी पाकिस्तान के बालाकोट में स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? अब बोल। अब मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूँ कि आपका पहला वोट। तो बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट, आप कह रहे हैं कि नहीं शहीद जो हुए उनके नाम पे आप। पुलवामा में, सुनिए पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता। ये बिक गई है गवर्नमेंट। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। है क्या पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपको श्वेता जी भेज दूंगा मैं, दोबारा सुन लीजिएगा और पूरा देश जानता है इसको। दिक्कत यही है कि अगर ये चीज देश के प्रधानमंत्री अगर कांग्रेस के होते तो हमें सड़कों पर नहीं निकलने दिया जाता। ये 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 कुंठा छोड़ दीजिए, मुझे नहीं लगता है कि देखिए ये चीज पुलवामा के नाम पर जो शहीद हुए उनके नाम पर पहला वोट मुझे दे दीजिए। अब आप बता दीजिए कि देश के प्रधानमंत्री ने किसी ने भी हमारे यहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसके नाम पर वोट मांगे हो तो आप मुझे बता दीजिए।